लो भाग्यवान, सिर छुपाने की जगह तो बन गई है। सिर छुपाने की जगह तो ठीक है स्वामी, परंतु पेट भरने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक कहती हो। बाबूजी ने ये तुम्हारे लिए औजार दिए हैं। ठीक है, लाओ ये औजार मुझे दो, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। ये लो स्वामी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अरे भैया। हाँ जी बोलो। जूती गाँठ दोगे क्या? हाँ हाँ लाओ भैया, अभी गाँठे देता हूँ। भैया कितने दाम लोगे? अरे भाई कुछ भी दे देना। लो भाई। बाबा कुछ दो ना, भूखे भिखारी को कुछ दो ना, भगवान के नाम पे कुछ दो ना बाबा, कई दिन से कुछ नहीं खाया, भगवान आपका भला करेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो भाई, अभी एक मुसाफिर एक टका दे के गया था, ये मैं तुम्हें देता हूँ, ये लो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अरे भाग्यवान क्या कर रही हो? अरे वही कर रही हूँ जो आप करते हैं। अरे कुछ रोटी पानी भी दोगी या यूं ही भूखा रहना पड़ेगा? हाँ आपने सारा रसोई का सामान ला के रखा है, जो आप रोटी मांग रहे हो, बर्तन में एक मुट्ठी आटा भी नहीं है, ना दाल है ना नमक और चीनी भी नहीं है, कहाँ से पकाऊं रोटी? गुस्सा क्यों करती हो, जाता हूँ कुछ कमा धमा के लाऊंगा, सब भगवान भली करेंगे। भगवान भगवान भगवान, पता नहीं भगवान भी हमारी कब सुनेंगे। पहले तो बाबूजी कमा लेते थे, हमें खाना मिल जाता था, लेकिन अब तो खाना भी हमारे नसीब में नहीं है, लगता है भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। सो बढ़िया
तेरी गांठ कटे से, गांठ कटे से सोवणिया उठ जागरे, ओए गांठ कटे से, गांठ कटे से। साहूकार की होए बरत पूंजी, साहूकार की तू बरत पूंजी, पड़ रहे ताले कुंजी, साहूकार की तू बरत पूंजी, खोलते ताले कुंजी, आ चोर रे तेरा लागर तेरा माल लुटे से, सोवणिया उठ जागरे, गांठ कटे से, गांठ कटे से। साहूकार का आवे हलकारा, मूल ब्याज देना सारा, साहूकार का आवे हलकारा, मूल ब्याज देना सारा, ओ डिगरी आवे नर भागरे, एक दिन रोज घटे से, सो बढ़िया उठे जागरे, गांठ कटे से, गांठ कटे से। उनका कहिए ओ पूर्ण खजाना, नीत से धन कमाना, उनका कहिए ओ पूर्ण खजाना, नीत से धन कमाना, कट चोरा सिका लागरे जब भेद पटे से, सोवणिया उठ जागरे, गांठ कटे से, गांठ कटे से। रविदास के बुद्धि छोटी, न सीख्या ज्ञान कसोटी, रविदास के ओ तेरी बुद्धि छोटी, न सीख्या ज्ञान कसोटी, आटोले संत समान रे जा प्रेम बटे से, सोवणिया उठ जागरे, गांठ कटे से, गांठ
काठ कटे से सो मणिया उठ जाग रे तेरी गांठ कटे से गांठ कटे से। भक्त रविदास, जिस जगह तुम बैठे हो उस कपड़े के नीचे रोज तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, उससे तुम अपना गुजारा चलाओ। और इस प्रकार उस स्वर्ण मुद्रा से उनके घर का सामान भी आ जाता और बाकी जो भी बचता वो सब गरीबों में दान कर देते। इस प्रकार उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। राम राम सरपंच जी। राम राम भाई, राम राम है। रे क्यों कराए तुम सारे इकट्ठे हो गए? सरपंच जी, ऐसा है कि अपने ये रविदास बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये लोगों में ज्ञान फैला रहे हैं, क्यों ना हम इन्हें मंदिर का पुजारी बना दें? हाँ हाँ भाई, रविदास बड़ा ज्ञानी है, मैं भी ये बात सोचूं था और तुमने भी आगे कह दी। चलो रविदास दो, चलो। हाँ भाई चलो 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 चलो। मैं भी देखता हूँ कि रविदास को मंदिर का पुजारी कैसे बनाते हैं। हरिओम 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 हरिओम। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। राम राम भगत जी। ओहो सरपंच साहब, राम 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 राम। ठीक सो, गरीब की कैसे याद आ गई? हे भगत जी, आज से इस मंदिर के पुजारी आप ही हैं। सरपंच जी, मैं इस काबिल तो नहीं, फिर भी आपका निवेदन स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चौधरी, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, एक नीची जाति वाले को पुजारी बना रहे हो, ये तो हम पंडितों का अपमान है, हम चुप नहीं बैठेंगे। ढोल नगाड़े बजाते चौक चौराहे पर जाओ और कहो कि हमारा अपमान किया जा रहा है। रविदास, तुम्हारे कारण हमारा अपमान होने लगा है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। पंडित जी, आप बेवजह मुझसे नाराज हैं, मैंने तो कभी आपका अपमान नहीं किया। गुरु रामानंद जी भी तो ब्राह्मण हैं, वो कभी नहीं कहते कि राम नाम लेना सिर्फ पंडितों का काम है, गुरुओं का नहीं। बड़ी लंबी जिह्वा हो गई है तुम्हारी रविदास, मैं तुम्हें देख लूंगा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे भाई जरा सुनो, इधर आओ। कहो पंडित जी। अरे पंडित जी, आप भी इधर आए।
हाँ बोलो पंडित जी। अगर रविदास ऐसे ही लोगों में ज्ञान बांटता रहा तो हम जैसे पंडितों का क्या होगा। अरे पंडित जी चिंता की कोनो बात नहीं, हम सारे ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करते हैं। अरे मूर्ख, रविदास से सारे ब्राह्मण समाज को परेशानी नहीं है, हम जैसे ब्राह्मणों के लिए दिक्कत है जिनका गुजारा नीची जात वालों पर रोब डालने से चलता है। ये तो ठीक है, हमारी बिरादरी के कई भाई राजा के दरबार में अच्छी धाक जमाए हैं, उन्हें अपनी तरफ मिलाकर इस रविदास की कतई छुट्टी कराते हैं। चलो 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 जी, चलो चलो। प्रणाम राजन। आओ धर्मराज, आज इतने सारे पंडितों को बुलवाकर यहाँ क्या करना चाहते हो? महाराज अन्याय हो रहा है, अन्याय। एक नीची जाति वाले को मंदिर का पुजारी बना दिया गया है। हमारे राज्य में ऐसा दुस्साहस किसने किया है? क्या नाम है उसका? गांव के चौधरी और कुछ हमसे खफा हमारे बिरादरी के लोगों ने हमें नीचा दिखाने के लिए उस नीची जात वाले को पुजारी बनाया है। उसका नाम रविदास है महाराज। उनकी इतनी हिम्मत, हम अभी उनको और रविदास को दरबार में बुलाते हैं। सैनिकों जाओ और उनको बुला कर लाओ। महाराज की जय हो। महाराज दोषी हाजिर है। तुम अकेले आए हो, बाकी और कोई नहीं आया? महाराज की जय हो। हे महाराज, सिपाही की बात सुनकर मुझे लगा कि मुझे ही चलना चाहिए। तो तुम हो रविदास? जी हाँ महाराज। आप मंदिर के पुजारी हैं? महाराज मैं तो भगवान का पुजारी हूँ। मंदिर तो भगवान की आस्था का प्रतीक होता है, मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ महाराज। क्या तुम जाति के ब्राह्मण हो? जी नहीं, मैं तो इंसान की जाति से हूँ। पंडित ना होते हुए तुम मंदिर के पुजारी कैसे बन गए? क्षमा करिए महाराज, आप मुझे यह बताने का कष्ट करी, पंडित कौन होता है और ब्राह्मण किसे कहते हैं? अरे जो पंडित के घर में जन्म ले उसे पंडित या ब्राह्मण कहते हैं। नहीं महाराज, पंडित के घर जन्म लेने से मानव ब्राह्मण या पंडित नहीं होता। पंडित वह होता है जिसे वेदों का ज्ञान हो, जो भगवान भक्त हो, धर्म पालक हो, ब्रह्म ज्ञान रखता हो, वही पंडित या ब्राह्मण कहलाने का हकदारी होता है महाराज। माँ की पेट से बच्चा नंगा जन्म लेता है, उसके मस्तक पर नहीं लिखा होता ये चमार है, ये धानक है, ये ब्राह्मण है, ये खाती है या ये जाट है। जात पात तो हम इंसानों की बनाई हुई है, न कि भगवान की। रविदास, आज राजा वीर सिंह अति प्रसन्न हुआ। हमारे राज्य में आप जैसे ज्ञानी ध्यानी हैं, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। रविदास आसन ग्रहण करो। महाराज इसकी बातों पे मत जाओ, ये ढोंगी है, काला जादू वशीकरण मंत्र जानता है, आपको वश में करना चाहता है महाराज। पिंडे जी मैं तो ढोंगी हूँ पर आप तो ढोंगी नहीं। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो भगवान को यहाँ बुलाकर दिखाओ ना। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, हम भगवान को अभी बुलाते हैं। हाँ, अभी। हाँ, पंडित जी बुलाओ ना, बुलाओ। हाँ, अभी बुलाई देते हैं। प्रभु आओ, आओ ना प्रभु, आओ, आओ प्रभु, आओ प्रभु, प्रभु आओ ना। महाराज यहाँ भगवान कैसे आए, यहाँ तो नीची जाति वाला बैठा है। हे पिंड जी, अगर मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ तो आज प्रभु इस नीची जाति वाले के बुलाने पर यहाँ अवश्य आएंगे। भक्ति की सुनी ले पुकार, भक्त
तेक सुने ले पुकार, ओ मेरे मालिक मेरे विधाता, कर दे मुझे पे उपकार, भक्ति तेरा तुझको बुलाता, भक्त की सुने ले पुकार। आज के बाद इस प्रभु भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो उसे दंडित किया जाएगा। रविदास हमें क्षमा कर दो, अनजाने में आप जैसे भक्त का अपमान कर बैठे, हमें तो आपकी जयकार लगानी चाहिए। बोलो सारे, रविदास की जय हो, रविदास की जय हो, रविदास की जय हो, रविदास की जय हो, रविदास की जय हो। हे राजन, अब मुझे आज्ञा दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।